दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसे ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपका बहुत सारा समय बचाएंगे। बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम अपना घर का काम कुछ इस तरह से कर सकें, लेकिन अगर ये आप टिप्स अपनाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और साथ ही आपका काम भी बहुत मिनटों में हो जाएगा। तो देर ना करते अपनी वीडियो की तरफ चलते। देखिए, ये हैं कार्डबोर्ड के डिब्बे। ये ऑनलाइन सामान मंगाओ तो इतने डिब्बे घर में इकट्ठे हो जाते हैं, क्या तो हम उनको रद्दी में फेंक देते हैं या यूं ही पड़े रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आप इन डिब्बों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक थोड़ा सा बड़ा ये बॉक्स लिया है और इसका मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से स्टूल बना सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें एक तकिए का कवर और एक पुरानी टी शर्ट। कोई भी टी शर्ट या कोई भी तकिए का कवर आप ले सकते हैं, पुराना सामान भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये पुरानी टी शर्ट होगी जो कि किसी काम की नहीं है मेरे। तो मैं इस टी शर्ट से स्टूल बनाकर आपको दिखाऊंगी जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं इस तरह से ये टी शर्ट पहना दूँगी जैसे हम तकिए पर तकिए का कवर चढ़ाते हैं ना, इसी तरह से इस बॉक्स पर हम इस टी शर्ट का चढ़ा देंगे, जिससे ये जो है बॉक्स है वो एकदम बहुत ही अच्छे से स्टूल की तरह दिखने में लगेगा। तो देखिए, मैंने इस बॉक्स को ये टी शर्ट पहना दी है। आप कोई भी कलर की टी शर्ट बना सकती हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो। तो मेरे पास ये एक पुरानी टी शर्ट पड़ी थी, तो मैं इसको पहना कर आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये टी शर्ट इस बॉक्स को पहना दी है और ये मेरा ये सोफ़ा है और सोफे के बगल में मेरी एक थोड़ी सी खाली जगह है। इस खाली जगह पर मैंने ये लंबाई की शेप में इस बॉक्स को रख दिया है और रखने के बाद इस तकिए के कवर को मैं इस पर इस तरह से ढक दूंगी, जैसे हम कोई भी कवर ढकते हैं ना, जैसे टेबल कवर ढकते हैं, इसी तरह से मैंने इस तकिए के कवर को इस पर ढक दिया और नीचे से थोड़ा सा जो कपड़ा निकल रहा है ना टी शर्ट का, उसको अंदर को दबा दिए। तो देखिए, इस तरह से ये तकिए का कवर और टी शर्ट मिलकर बड़ा अच्छा सा स्टूल बन गया। इस पर हम कोई भी सामान सजा सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक कृष्ण भगवान की तस्वीर रखी है, एक सुंदर सा फ्लावर पॉट रख दिया है और कुछ छोटे छोटे मैंने खिलौने रख दिए हैं। तो इस तरह से देखिए, ये कितना सुंदर हमारा बॉक्स लग रहा है। ये लग रहा है जैसे हमने कोई स्टूल सजा दिया है, जबकि ये बॉक्स है और बॉक्स को हमने एकदम स्टूल का रूप दे दिया है। और इधर थोड़ा सा कोना इसका निकल रहा है, तकिए के कवर का जो कोना होता है, तो उसको हमने एक सेफ्टी पिन से बांध दिया है। तो देखिए, ये हमारा एकदम बढ़िया सा स्टूल बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप कोई भी सामान सजा सकती हैं या अपना मोबाइल चार्जर लगाने के लिए लगा सकती हैं। अक्सर मोबाइल लगाने के लिए हमें जगह नहीं मिलती। तो देखिए, मेरी ये सोफे की खाली जगह कितनी सुंदर लगने लगी। इसी तरह से आप अपने स्टूल को बना सकती हैं। इसके बाद आजकल इतनी ठंड पड़ रही है, हाथ इतने जम जाते हैं कि समझ नहीं आता कैसे काम करें। तो देखिए, ये हमारे पुराने मोजे। मैं आपको बताऊंगी कि आप इन पुराने मोजों को अपने दस्तानों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों में ठंड भी चली जाए और आपके हाथों में गर्माहट आ जाए दस्तानों की। तो देखिए, मैंने एक मोजा लिया है और मोजे को ये जो एड़ी की साइड होती है ना, इस साइड से हम छोटा सा एक कट लगा देंगे, देखिए इस तरह से। और कट लगाने के बाद इस मोजे को मैं इस तरह से ऊपर की साइड से, जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, बीच से मैं ऐसा काट दूंगी। तो ये हमारा जो मोजा है, इसके हो जाएंगे दो भाग। तो देखिए, ये दोनों मैं आपको दस्ताना बना के बताऊंगी कि किस तरह से हम एक मोजे के दो दस्ताने बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एड़ी की साइड में ये जो मैंने कट लगाया था, इसमें हम अंगूठा निकाल कर इस मोजे को इस तरह से पहन लेंगे। तो देखिए, ये हमारा दस्ताना बनकर तैयार हो गया। और ये दस्ताना कितना अच्छा है, इस दस्ताने से आप अपने घर का काम भी कर सकते हैं, कुछ लिखने का काम हो या किचन का कोई भी काम हो, क्योंकि अगर हम पूरा दस्ताना बनाएंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, आपके हाथों में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी और कितना अच्छा ये दस्ताना बनकर तैयार हो गया। और आपके हाथों में इतनी गर्माहट आएगी कि आपके हाथों की जो ठंडक है वो भी दूर हो जाएगी। फिर ये देखिए, दूसरा वाला जो पार्ट है, जो मोजे का ऊपर का हिस्सा था, इसका भी मैं आपको ग्लव्स बनकर दिखाऊंगी। तो देखिए, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, जहाँ पे हमारी उंगलियाँ आती हैं, उस साइड को हम पूरा कैंची से इस तरह से काट देंगे। तो देखिए, काटने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा मोजे का आधा हिस्सा हो गया है। फिर हम थोड़ी दूरी पर इस तरह से बीच साइड में ऐसे कट लगा देंगे, छोटा सा कट लगाने के बाद, जहाँ पर हमने नीचे की साइड से जो काटा था, जहाँ पे हमारे पैरों की उंगली आती है, वहाँ से हम इसको पहनेंगे। और जहाँ हमने कट लगाया था, वहाँ से हम अपना अंगूठा निकाल कर, देखिए हमारा ये दूसरा भी दस्ताना बनकर तैयार हो गया। और ये
मैंने हाफ उंगलियों के दस्ताने बनाए हैं। इस तरह से आप अपने घर में काम भी कर सकती हैं और साथ ही आपके हाथों में जो ठंड लग रही है ना, इस समय बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, देखिए ये कितने अच्छे मोजे के दस्ताने बनकर तैयार हो गए हैं और आपके हाथों की ठंडक भी चली आएगी, आप अपने घर के काम भी कर सकेंगे। तो मैंने एक मोजे से ये दो दस्ताने बना दिए हैं और इन दस्तानों से हाथ भी एकदम गर्म हो गए। ऐसा नहीं है कि हाथों में गर्माहट नहीं आई हो, बहुत हाथ गर्म हो गए। इससे आप अपने लिखने का काम कर सकते हैं, बच्चे पहन सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई है तो वो लिखने का काम कर सकते हैं और आप भी अपने घर के सारे काम कर सकती हैं इन दस्तानों को पहनकर। तो देखिए पुराने मोजे से मैंने कितने अच्छे से दस्ताने बनाए। अब कि आपके मोजे पुराने हो जाए या आपके मोजे का कभी कभी एक जोड़ा गायब हो जाता, एक मोजा रह जाता, तो इस तरह से आप दो दस्ताने बना सकती हैं। बहुत अच्छे दस्ताने बने हैं और आपका एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे पैसे बचाने वाली ये टिप्स है। इस टिप्स को ज़रूर कीजिएगा। अगली बार आपको जब भी मोजा खो जाए या आपके मोजे पुराने बन जाए, आप इस तरह से दस्ताने बनाइए, आपके हाथों की गर्माहट वापस आ जाएगी और ये बहुत अच्छे टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये देखिए ये हैं चुकंदर। और चुकंदर में जो होता है इतना आयरन होता है कि हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन चुकंदर का एक उपयोग और भी है जो मैं आपको बताती हूँ। चुकंदर को हम काट कर दो पीस में कर लेंगे और करने के बाद ये जो आधा हिस्सा है ना, इसको हम गैस पर रखकर धीमी गैस पर इसको भून लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से एक तार रखा है गैस पर और इसके बाद इस पर मैंने ये आधा चुकंदर रख दिया है और इसको हम 3-4 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे जिससे ये अच्छे से भून जाए। और भूनने के बाद देखिए ये जो चुकंदर है हमारे बहुत ही हेल्थ में काम में आने वाला है। तो देखिए अब ये 2-3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद हम एक चिमटे की सहायता से इसको उठा लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे उठाएंगे तो हाथ जल जाएगा। और देखिए मैंने ये उठाया, उठाने के बाद इसको हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे उस पर काला नमक। और इस तरह से अगर हम चीकू खाएंगे अपनी सलाद में तो जो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो हमारे दिल की धड़कन में फ़ायदा होगा, हमारी दिल की धड़कन बढ़ने नहीं लगेगी। और इस तरह से ये चुकंदर आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इस समय जाड़े का मौसम है, अगर आप चुकंदर ऐसा खाएंगी तो ये थोड़ा सा ठंडक भी करेगा। और इस तरह से भूनकर खाएंगी और काला नमक डालकर खाएंगी, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा और ये ठंडक तो बिल्कुल नहीं करेगा और साथ ही आपकी दिल की बढ़ी हुई धड़कनों पर भी रोक लगाएगा। ये बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी है जो कि आपके बहुत ही काम में आने वाली है। इस तरह से चुकंदर को आप जरूर खाइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारे चाकू हैं। हमें सफ़र में जाना होता है, हमें फल खाने होते हैं रास्ते में, या हमें कहीं भी चाकू को ले जाना होता है, तो अगर हम चाकू को ऐसे खुले में डालेंगे तो हमारे बैग में बहुत सारा सामान है जो चाकू से कट जाएगा। तो मैं आपको बहुत अच्छी सी टिप्स बताऊंगी कि आप अपने चाकू को सफ़र में कैसे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें टिश्यू पेपर लेना होगा और एक लेना होगा रबड़ बैंड। तो देखिए चाकू को मैं इस तरह से रख कर इसको फोल्ड कर दूंगी। टिश्यू पेपर मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसको इस तरह से मोड़ दिया और उस पर हम लगा देंगे रबड़ बैंड। तो 2-3 बार मैंने इस तरह से रबड़ बैंड को लगा दिया। तो देखिए हमारा चाकू एकदम पैक हो गया और ये हमारे चाकू का एक तरह से कवर बन गया है। तो इसको आप अपने सफ़र में ले जाएंगे, आपका सामान बिल्कुल कटेगा नहीं। और अगर आप बैग में हाथ डालकर चाकू भी निकालूंगी, आपका हाथ भी नहीं कटेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें से चाकू निकाला है, फिर चाकू रख दिया, तो ये बहुत अच्छा सा चाकू का कवर बन गया। इस तरह से आप सफ़र में या बैग में डालकर चाकू को लेके जा सकती है। बहुत अच्छी सी टिप्स है। देखिए मैंने 2 बार चाकू निकाला और इस तरह से डाल दिया। बहुत सेफ तरीका है चाकू को रास्ते में ले जाने का। तो सारी टिप्स आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.